नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, फाइनली एसएससी ने एमटीएस टीयर वन का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। 2019 का जो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जामिनेशन हुआ था, और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2/8 से 22/8 के बीच में। 13 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। कश्मीर वैली के अंदर एग्ज़ाम की डेट्स कुछ अलग थी, तो उसके लिए फाइनली आपको आंसर कीज के साथ यहाँ पर फाइनल आंसर की भेज दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेपर वन है उसमें कैंडिडेट का जो रेशियो लिया गया है वो लिया गया है 1:15, यानी कि जितनी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स लिए गए हैं टीयर वन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया है नॉर्मलाइज स्कोर का पेपर वन के लिए वो 30% है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 25 और अदर्स के लिए 20%। यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी डिफाइंड किया गया है अलग अलग ग्रुप्स के लिए कितनी रहेगी, और 18 से लेकर 25 साल है, और सेकंड है 18 से लेकर 27 साल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कट ऑफ की बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 18 से लेकर 25 साल का जो वैकेंसीज है, कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट वैकेंसीज इन एज ग्रुप 18 से 25, तो ये जो वैकेंसीज हैं कुल मिला के 84,778 कैंडिडेट्स को यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस सी के 5,850 कैंडिडेट्स हैं, 6,630 हैं एस टी के, 23,370 हैं ओ बी सी के, और ई डब्ल्यू एस के 6,420 हैं, तो कुल जनरल के हैं 38,955। तो कुल मिला के आप यहाँ देख सकते हैं कि 18 से लेकर 25 के बाद 18 से लेकर 27 तक में 26,384 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें जनरल एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस ओ एच 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 वी एच और बाकी डिफरेंट कैटेगरीज शामिल हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेट ये जो रिजल्ट आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट किया गया है पेपर टू के लिए, और ये कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज और यूटी वाइज है। और वैकेंसीज के लिए आप एनएक्स वन और एनएक्स टू यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 कैंडिडेट्स हैव बीन कैंसल, इन ये 12 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद देखिए रेजोल्यूशन ऑफ टाइज के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ें बताई गई हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो अलग अलग कट ऑफ गई हैं एज ग्रुप की, देखिए सेंट्रल रीजन जो बिहार का है, ई डब्ल्यू एस की, एस टी की, एस सी की, सबकी अलग अलग कट ऑफ मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी हुई हैं कितनी हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस टी के लिए कितनी गई है 76, बिहार एस सी में गई है 83 गई है, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग, उत्तर प्रदेश की दी हुई है, झारखंड की, उड़ीसा की, बाकी जितने भी रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पर यूटीज की भी आगे जाके आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली की यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली की कट ऑफ दी हुई है, दिल्ली की जो जनरल की कट ऑफ है वो 71 गई है, वहाँ पर कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हैं ये भी बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर आपकी वैकेंसी में कितने बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों से है। वैसे तो आपको पता ही है कि जितनी भी सीट्स होंगी उनके 15 गुना ज़्यादा बच्चे होंगे आपके स्टेट या यूटी में जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स जाके अपने आंसर की चेक कीजिए, मार्क्स को देखिए, और उसके बाद तैयारी में लग जाइए टीयर टू की। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के ऊपर, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।